हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रिया, प्रिया भितखाना में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ खास। तो आज हम बनाएंगे चटकारे वाली आलू चाट। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 7 से 8 आलू। आलू मेरा ये नॉर्मल वाला नहीं है वाइट, ये मेरा लाल वाला आलू है। तो मैंने लाल वाला आलू लिया है। इसको हम इस तरीके से बताएंगे कि 5 से 10 मिनट में आप बहुत ही इजीली तरीके से चाट बना सकते हैं। आपको ना आलू को फोड़ना है, ना मैश करना है, कुछ भी नहीं है। हम पूरे आलू को ही नॉर्मल तरीके से बताएंगे, बहुत ही झटपट तरीके से बनाना भी दिखाएंगे और आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आलू को लिया है और इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको इस तरीके से दबाना है ऐसे करके। ये देखिए आलू लगभग कुछ फूटा सा है और इसको हम चारों तरफ से ऐसे दबा देंगे और ये टिक्की की तरह हो गया। इसी तरीके से हम सारे आलू कर लेंगे। आलू बहुत ज़्यादा बड़ा ना लें और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना लें, नॉर्मल लें और आलू को उबाल के ठंडा कर लें। ये देखिए इस तरीके से, तो सारे आलू इस तरीके से फोड़ लेते हैं ऐसे करके। आलू को उबाल करके ठंडा कर लिया इस तरीके से और सभी को इस तरीके से फोड़ लेते हैं। जिस तरह से आलू की टिक्की फोड़ के बनाते हैं उस तरीके से ऐसे, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे आलू को इस तरीके से टिक्की की तरह बना लिया है, बड़े की तरह। तो मैंने लिया बाउल, बाउल में हम डालेंगे 1 कटोरी तक अरारोट। अरारोट हम व्रत में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अरारोट ना हो तो आप मैदा या चावल का आटा भी ले सकते हैं। अगर अरारोट है तो आप अरारोट की भी बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें हींग, 1/2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर ये, और हम 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला डालेंगे इसमें, हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक को स्वाद अनुसार ही डालना है। 1/2 चम्मच हम डालेंगे जीरा, 1/2 चम्मच डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर है तो आप चाट मसाला भी डाल दें। 1/2 चम्मच डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इनको घोल लेते हैं। तो अब हम इसको धीरे धीरे थोड़े थोड़े पानी में घोलेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो उस हिसाब से आप अगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपकी चाट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से इसको मैंने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं किया है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। शुरू में जब पानी डालते हैं तो थोड़ा सा अरारोट टाइट हो जाता है, लेकिन आप इसको चलाते रहें कंटिन्यू तो ये फिर धीरे धीरे पतला होने लगता है। तो बैटर बनाने के बाद हमने यहाँ ले लिया है 1 कढ़ाई। गैस को करेंगे हम ऑन। अगर आपके पास कढ़ाई हो तो आप कढ़ाई, अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा हो तो आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच तक ही डालना है। 1 चम्मच ही घी डालेंगे और इसको चारों तरफ से ऐसे चला देंगे। तो बैटर को अच्छे से चला लेंगे इस तरीके से। और अब हमने लिया है आलू और आलू को हम इस तरीके से उसमें बड़े की तरह कर लेंगे, आलू बड़ा। इसको कढ़ाई में धीरे से इस तरीके से रखेंगे। इसी तरीके से हम और भी रख लेते हैं। याद रहे गैस को लो फ्लेम में ही रखना है, हाई फ्लेम में नहीं करना है इस तरीके से। तो ये गुलाबी गुलाबी सिकती हैं इस तरीके से, 3 से 4 आएंगी इसमें। तो हम 3 से 4 सारी सभी को सेक लेते हैं ऐसे। तो धीमी धीमी आंच में इसको सेक लेते हैं।
तरफ मैंने इमली ले ली है, इमली में हम डालेंगे पानी थोड़ा सा और इसको गैस पे रखेंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर इमली पानी में थोड़ी सी पक रही है, फिर हम इसका पल्प निकाल के इसको चटनी को बनाएंगे। तो इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए नीचे हल्की हल्की सी सिकने लगी है, तभी ये उपट गई है। देखिए ये भी है थोड़ी सी, अभी इनको थोड़ा सा पक जाने देते हैं थोड़ी देर, फिर इनको पलटेंगे। यहाँ पर पानी खोल रहा है, गैस को हम कर देंगे बंद और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। गैस को लो फ्लेम पे ही रखेंगे और इसको देखेंगे कि ये सिकी है या नहीं। ये देखिए सिकने लगी है, अभी थोड़ा सा और सिक जाने देते हैं इनको। इसको भी थोड़ा सा पलट देंगे, थोड़ी सी और सिक जाए एक ही तरफ से, फिर इनको हम ऊपर की ओर सेकेंगे, थोड़ी सी और सिक जाने देते हैं। तो मैंने यहाँ पर चाल लिया है, इसमें हम डालेंगे धनिया, उसकी मैंने जड़ें हटा ली हैं और डंठल सहित ही डालना है। तो धनिया ले ली है, धनिया को हम जड़ों सहित ही डालेंगे, नीचे के जो जड़ होती है उसको हटा लेंगे और जो लकड़ी होती है उसको थोड़ा सा डालेंगे, उससे टेस्ट अच्छा आता है। हम 2 इंच तक अदरक डालेंगे, 1 हरी मिर्च डालेंगे और इसमें हम जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हम हींग डालेंगे और थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक बहुत ज़्यादा ना हो। और इसमें हम 2 चम्मच तक दही डालेंगे इस तरीके से। दही का जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। और इसमें हम थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे, थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अगर आपके पास चाट मसाला है तो डाल दें, नहीं तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इसको पीस लेते हैं। यहाँ पर हमारी चटनी बन चुकी है हरी, अब हम आलू बड़े को देख लेते हैं सिके या नहीं। इनको हम पलट लेंगे, नहीं तो फिर ये लगने लगेगी इस तरीके से। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बन रही है, बहुत ही अच्छी है इस तरीके से। सेक लेते हैं, धीमी आंच में ही सेकेंगे, बहुत ज़्यादा अगर हाई फ्लेम पे कर देंगे तो ये जल जाएंगी। मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 बाउल बड़ा सा, उसमें हमने छन्नी लगाई है, बड़ी छन्नी लगाई है मैंने, आप चाहें तो छोटी भी लगा सकते हैं, मुझे इसमें बहुत ही आसानी से वो करते बनता है, इसलिए हमने बड़ी छन्नी लगाई है। और इसको इस तरीके से पूरे में कर लेंगे तो बीज वगैरह निकल आते हैं। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी करके पल्प को निकाल लेंगे। तो इमली का पल्प हमने सारा निकाल लिया है और जो बीज वगैरह थे उनको हटा दिया। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे पल्प, जो इमली का पल्प था। फिर इसमें हम डालेंगे गुड़, गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इमली भी थोड़ी ही थी, गुड़ भी थोड़ा ही डालेंगे, 1/2 कटोरी से भी कम। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसको पकने देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है दही, दही गाढ़ा है और ताज़ा भी है। इसमें हम डालेंगे चीनी 2 से 3 चम्मच ताकि दही हमारा मीठा हो जाए।
और थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का ही डालना है। और इसको मिला के हम थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी आलू चाट जो है सिक चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए कितनी अच्छी कुरकुरी सिकी है, देखिए आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, बहुत ही करारी बनी है। इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छी सिकी है। तो आलू चाट देखिए बहुत ही करारी बनी है, आवाज़ भी खूब अच्छे से आ रही है कुरकुरेपन की। इसी तरह हम और सेक लेंगे। तो यहाँ पर मीठी चटनी हमारी बन चुकी है, देखिए गाढ़ी भी हो गई है बहुत अच्छे से। गैस को हम करते हैं बंद। तो यहाँ पर हरी चटनी भी तैयार हो गई है, मीठी चटनी इमली की भी तैयार हो गई है, और मैंने दही को भी फ्रिज से निकाल लिया है। और थोड़े से मैंने यहाँ मार्केट से सेव मंगाए हैं, नमकीन महीन वाली। और यहाँ मैंने ले ली है एक प्लेट। तो अब हम प्लेट में रखेंगे आलू टिक्की को इस तरीके से। देखिए बहुत ही करारी बनी है। और इसमें हम डालेंगे दही सबसे पहले इस तरीके से। फिर हम इसमें डालेंगे मीठी चटनी। और फिर हम इसमें डालेंगे हरी चटनी। बहुत ही अच्छी महक आ रही है, जब भी देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है, खाने में तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। फिर हम इसमें डालेंगे ऊपर से काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, और थोड़ी सी हम लाल मिर्च डालेंगे, और थोड़े से हम यहाँ ये वाली महीन सेव डालेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इस तरीके से, और थोड़े से हम डालेंगे इसमें अनारदाने। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें इस तरीके से। तो यहाँ पर आलू चाट बनके मेरी तैयार है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं, बहुत इजी तरीका से स्टेप बाय स्टेप बनाएं, बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर मेरी आप तक पहुंचा करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो ये रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।